बहुत ही सुंदर गीत था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको सुना दूं, क्योंकि अगर मुझे अच्छा लग रहा तो हो सकता है शायद आपको अच्छा लग जाए। बहुत बढ़िया। कौन सा गीत था? एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था लाल दुपट्टा मलमल का है। बिल्कुल मलमल का है। एक बड़ा ही प्यारा सा गीत बजा देंगे। गीत क्या कहता है कि जब पूछती थी देखिए ये तो कर्ज है। अब गीत का कर्ज सुनिएगा, मंच प्रारंभ हो रहा है और जवाब जरा, जैसे आप बहुत अच्छा जवाब देती हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बढ़िया जवाब देती हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे आपने पत्थर वाला जवाब दिया है। पत्थर का जवाब पहाड़, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आइएगा, अब गीत क्या कहता है कि पैरी पति की आस में ये कर सोना सिंगार, पति मिलन की चाह में रही है बात गुजार। इंतजार हो रहा है, मधु मधु तैयार है, अभी बड़ी ही नहीं, और मधु पहले ही आ गई, तो देखिएगा ये कुआरी दुल्हन है, फिर कैसा सन्ना कि बिन सजना के
सजते रहती सजनी। सजना नहीं है अभी, नहीं है सजना, लेकिन सजनी बन गई। तो बिन सजना के साजना सजते रहती सजनी। लेकिन होता क्या है, परंतु उस समय राजा पति तपस्या कर रहे हैं, तो होता क्या है देखिएगा कि राजा पति मुझसे और सच नहीं बना लो हृदय भाव खोली। क्योंकि जिस अंग पर जाकर गंगा बैठी थी पति के दाहिनी अंग पर बैठी पुत्र वधु का होता है, इसीलिए तू पुत्र वधु बन जा। तुझे मैं बेटी बना सकता हूँ लेकिन अपनी बहू नहीं, लेकिन अभी मेरे कोई बेटा नहीं है इसीलिए तुझे बहू तो बना सकता हूँ। बिना वर के बधु किया है ये वर बधु, और आज मैं बधु सतर पर सधु न बोझ बदल दो आज पुत्र नहीं है और पुत्र वधु बन गई आज बिन पर के वो बरती है हो कि सोला श्रृंगार करती है। जापत हुए तो राजा जापत ने अरे कौशल दिखाए और रण में से विदर्भ कन्या को जीत कर ले आए। अरे राजा जापत ने अरे कौशल दिखाए विदर्भ कन्या
जन्म को ताना मारा तो ये कर क्या रहे हो तुम? हमारी पुत्री जैसे विवाह करोगे से पत्री बना गए तो उनको लज्जा महसूस हो। ठीक है, पत्नी नहीं, नहीं, नहीं अपने पुत्र की बधू बनाऊंगा। और पुत्र भी पैदा ही नहीं हुआ है, बिल्कुल पैदा नहीं हुआ है। तो देखिए पुत्र बधू बना लिया उसको कन्या को। कन्या बधू में अपनाए तो यहां पर भी बिना पर परी लीला करी बात है खरी जब शिव ने तो सब भस्म हो गया और उसके बाद फिर से जब जन्म लिया तो संप्रासुर उठा ले गया। जब संप्रासुर उठा ले गया तो समुद्र में पटक दिया, वहां से मछली के पेट में चला गया। और जब मछली वापस संप्रासुर से यहाँ आ गई पेट के आचा के फिर से निकाल लिया तो देखिए होता क्या है। अरे हुई दुर्गति है पति बिन तड़पती, अरे देखो ये रति है ईश्वर की भई अजब सहमति है और द्वार में इसको मिलेगा पति है। और जब द्वार में पति मिलेगा तो कैसे जली वो मुर्जी कली अरे आंसू में पली वो पली रख ढली एक छोटी सी गीत का जवाब और दे दे, दे। बाकी तो हम उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे। ना बेटा ना बेटा ना आई डोंट नो नथिंग नो फालतू बातचीत। ओके आई एक्सेप्टेड योर ऑर्डर। ये हमारे बड़े हैं, इनका ऑर्डर है, उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। चाचा जी आप जैसा कहेंगे। एक गीत आपने सुना है कौन सा से फिर तो वगैरह आता
कह रहा है क्या? अरे जो हमारे हिंदुस्तान में एक लोगों ने देख लिया तो सब देखेंगे। बढ़िया ये सुना है आप लोगों ने, बहुत अच्छा। सजना नहीं है, सजना नहीं है सजनी, सजना नहीं है सजनी है। 16 श्रृंगार किए हैं सजनी है, सजना नहीं है सजनी है। 16 श्रृंगार किए हैं सजनी है। हमारे कीर्तन प्रेमी कानपुर में ऐसी कोई जगह नहीं है या ऐसा कोई श्रोता नहीं है जो अपने आप का कलाकार ना हो। हम तो आज की बच्ची हैं, अब आज से गाने लगे, आपकी उम्र पूरे कीर्तन सुनते सुनते गुजर गई है। अरे वाह सकरी दी भाई टमाटर वाले, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भैया को प्रणाम है। बार बार पहले भी आपके 51 पद मुद्रा है, अब अनेक अनेक आशीर्वाद प्रदान हुए हैं। सजना नहीं है श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी लाऊंगी भैया जी, श्रृंगार कर ले सजना का इंतजार चलेगा, श्रृंगार करे बैठी सजना का इंतजार हो रहा चलेगा, घर कब आओगे। लेकिन बिना सजना के कहीं पुत्र पैदा हो जाए तो ये नहीं चलेगा। है कलंक का टीका, लेकिन हमारे पुराणों में ऐसे भी लेख आए हैं हमारी माताओं में, क्योंकि माँ में वो शक्ति है भैया जी, हमारी माताओं ने पुत्रों को जन्म दिया है। और देखिए कई जगह ऐसी कथानक है जहाँ बिना पति के पुत्र पैदा हुए हैं। सुनेगा पहला प्रसंग, सुनिए वृक्ष ब्रजा। वृक्ष ब्रजा वाल और सुग्रीव, इनकी माँ का नाम है वृक्ष ब्रजा। उस वृक्ष ब्रजा को देख करके इंद्रदेव और शूरदेव मोहित हो गए, और मोहित हुए भैया जी तो शूरदेव का वीर स्थगित हुआ, तो जाकर के वृक्ष ब्रजा के कंठ पे गिरा, ग्रीवा जिसको बोलते ग्रीवा, यहाँ गिरा तो उससे जन्म हुआ सुग्रीव का, ग्रीवा पे गिरा इसलिए उनका नाम पड़ गया सुग्रीव।
और इंद्र का गिरा जाकर के बाल पर, भैया जी वाल से पैदा हुए इसलिए उनका नाम पड़ गया वाली। जवाब सुनिएगा, सुनिए। वृक्ष वर्जा सोच रही है कि कैसी है किस्मत बड़ी सुंदर नारी मोहे सोए सूर्य बदनारी। आप लोग उसे कहते हैं यहां से मेरी ओर से चलिएगा। बनीला किसी गो घरवाली जनम में डलल सूरी वाली तो मनो है धरती है पालन पोषण करती सुमन केसरी नंदन पवन तनय हनुमान लेके धरती वो धीर है इधर से जो भाव महाराज दशरथ ने बांटा उसमें से एक चील आई और उसी का भाग लेकर के जाकर के मन माता अंजना के आंचल में गिरा दिया और माता अंजना ने उसको जैसे ही खाया भैया जी तो उसी से जन्म हुआ बाबा बजरंग बली का। माता कुंती जी ने उन्हें कुंवारी करण को जन्म दिया।